अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चना मसाला ही रेसिपी, जो अक्सर इफ्तार में बनता है। होप यू ऑल विल लाइक इट। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो चना मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ऑफ ब्लैक चिक पीस लिया है। इसे मैंने 6 to 7 hours तक सोक करके रखा था एंड देन इसको कुकर में 2-3 विसल देकर इसे कुक कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में अभी मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाया। कढ़ाई में 2 tablespoons ऑयल डालेंगे। ऑयल के अच्छा गर्म होने के बाद में हम इसमें 1 teaspoon ऑफ मस्टर्ड सीड डालेंगे। मस्टर्ड सीड अच्छे से स्प्रेटर होने के बाद में हम इसमें 1/2 teaspoon ऑफ क्यूमिन सीड्स डाल देंगे। अभी मस्टर्ड और क्यूमिन दोनों भी स्प्रेटर हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1 small onion को चॉप करके डाला है। अगर आपके आपका अनियन बड़ा है तो आप 1/2 डाल दीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने ऑयल में करी पत्ता डालना मैं भूल गई थी, तो अभी मैं डाल रही हूँ। आप ऑयल में जब मस्टर्ड सीड और क्यूमिन सीड डालोगे तब आप करी लीव्स डाल देना और उसके बाद में अनियन डाल के मिक्स कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 1 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। अच्छे से उसको मिक्स करेंगे एंड देन 1 teaspoon ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट, या फिर अगर आपके पास ग्रीन चिली पेस्ट नहीं है तो आप ग्रीन चिली को फाइन चॉप करके डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप ये ग्रीन चिली स्किप भी कर सकते हो, टोटली योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर 1 medium size का टमेटो लिया है, उसे भी चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपका टमेटो बड़ा है तो आप 1/2 डाल देना, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद टमेटोज़ को कोने के लिए हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम कुछ ड्राई पाउडर स्पाइसेस डालेंगे, जो कि है 1/2 teaspoon ऑफ टर्मरिक पाउडर और 1/2 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर। इसमें ज़्यादा कोई मसाला नहीं जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ यही 2 मसाला जाता है और इसी से ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बन के रेडी होता है, ठीक है। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें बॉईल किया हुआ चिक पीस ऐड कर देंगे। ये बॉईल कुकर में उबाल कर रखा हुआ था, इसका पानी मैंने स्ट्रेन आउट कर दिया है, तो वो पानी हम थोड़ा सा बाद में यूज़ करेंगे। हाँ, इस पॉइंट में हमने 2 tablespoons ऑफ जो चिक पीस का ही पानी था ना, वही इसमें डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद में हम लास्ट में इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे और ये बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी, ये बहुत ईजी रेसिपी है, हर कोई इसे बना सकता है और उतना ही टेस्टी और उतना ही यम्मी बनता है। बस अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं या फिर आप ग्रीन चिली बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी और चटपटा चना मसाला बनके रेडी हो गया है। If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Take care.